Hello students, welcome to our channel Physics Sainiks. And in this video we will learn about Bohr's atomic model. Okay, so accepting the Rutherford's model, nucleus model of an atom, as well as the Planck's quantum theory, Bohr's proposed an atomic model to explain the spectra emitted by the hydrogen atoms. So Bohr atomic model, so called the planetary model of an atom, is based on the following four postulates. Okay, the first one is the nuclear concept. An atom consists of a small and massive central core called nucleus. He said जो हमारा atom है वो consist करता है small और massive central core. ठीक है, central core जिसको हम लोग क्या कहते हैं, nucleus, around which planetary electrons revolve, जिसके around क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ऑब्वियसली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सी फोर्स की, सेंट्रिपिटल फोर्स. तो वो जो फोर्स है वो हम लोगों को कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ये सबसे पहला कंसेप्ट था, दिस वन इज द न्यूक्लियर कंसेप्ट, न्यूक्लियर कंसेप्ट. तो सेकेंड पॉस्टुलेट इसका था क्वांटम कंडीशन. क्वांटम कंडीशन दी थी उसने, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय दिस क्लासिकल थ्योरी, जितनी भी पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स थी जो क्लासिकल थ्योरी ने अलाउ की थी, द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनको सर्कुलेट करना उसी ऑर्बिट में परमिटेड था जहाँ पर हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई, यानी कि ये वाली कंडीशन. दिस इज़ द बोहर्स फेमस क्वांटम कंडीशन कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई. ओके, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, एम वी आर अपॉन एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, वेयर एल इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एम इक्वल्स टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आर इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड एन की जो वैल्यू होगी वो हमें पता है 1, 2, 3. और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप जो आपका एच है दिस इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 6.636 इंटू 10^-34. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी ऑर्बिट्स को लेकर उसने क्या कहा था, वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन डजेंट रेडिएट एनर्जी. ये हमें कहाँ से मिला स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था. रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, ठीक है. वहाँ ये बताया था कि अगर कंटिन्यूसली हमारा जो ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज़ माय न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कि वो अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा अपनी ऑर्बिट में, अगर कंटिन्यूसली मूव करते करते अगर वो एनर्जी को लूज़ करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी, तो उससे क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन निकल रही है एच म्यू, तो एनर्जी एमिट हो रही है. एनर्जी क्या हो रही है, एमिट, एनर्जी एमिट हो रही है, यानी कि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है. तो जब ये एनर्जी लूज़ करेगा तो ये जो मोशन होगा इसका वो कैसा हो जाएगा, स्पायरल. एनर्जी लूज़ करते करते ये कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ से हमारा एटम क्या हो जाएगा, फिनिश, हमारे पास एटम ही नहीं बचेगा. तो यहीं से हमारा रदरफोर्ड का ये जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, तो यहाँ से इस लिमिटेशन का यूज़ करके ये स्टेशनरी ऑर्बिट वाला पॉस्टुलेट उसने तैयार किया. यहाँ क्या बोला है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त रेडिएट नहीं करता, यानी कि एनर्जी लूज नहीं करता, एनर्जी एमिट नहीं करता. दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स. अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा और अपना न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा, ठीक है, और सारा का सारा एटम हमारा फिनिश हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारा जो एटम है वो एनर्जी को एमिट नहीं करता, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता,
when it is moving in a permissible orbit. और उस permissible orbit को क्या कहते हैं? Stationary orbit. ये बहुत important point है students. Next है आप लोगों का frequency condition. Frequency condition में यही है कि actual में आप लोगों का energy emit होगी कब, emit और absorb होगी कब. जब भी स्टूडेंट्स कोई भी एटम आप लोगों का एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर ऑर्बिट. ठीक है, तो ये सबसे पहली बात जो है कि एमिट कब करेगा, एमिट तब करेगा, मैं आपको दोनों कंडीशन बना के दिखाती हूँ. एमिट तब करेगा कि जब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा उस टाइम पे वो जो एनर्जी है वो रेडिएट करेगा. और वो एनर्जी कैसी होगी? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एच न्यू. ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर मूव कर रहा है तो नहीं रेडिएट करेगा, लेकिन अगर एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा. और एनर्जी यहाँ पर क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है. इस केस में एनर्जी एमिट करेगा. एब्जॉर्ब कब करेगा स्टूडेंट्स एनर्जी? एब्जॉर्ब तब करेगा जब एक लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा. ये मान लीजिए मेरी हायर स्टेट, दिस वन इज द लोअर स्टेट. तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? हायर स्टेट में जाने के लिए इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? गेन करनी पड़ेगी, यानी कि एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब ये हायर स्टेट में जाएगा. ठीक है, तो ये दो तरह के स्टेट्स हैं. और यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो किसके इक्वल आएगा? इक्वल्स टू एच न्यू. दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स मॉडल. So students, if you like this video, please subscribe our channel. Thank you so much.